बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स वेलकम टू यूएचएस एमडीकैट लेक्चर 18। और इस लेक्चर में हम तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मोमेंट। लेट्स स्टार्ट विद बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी स्टूडेंट्स, बॉन्ड एनर्जी क्या है? एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप इन वन मोल सब्सटेंस। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है? ये देखें, कार्बन हाइड्रोजन स्टूडेंट्स इसके वन मोल ले लें और इसके सारे पर्टिकुलर टाइप के बांड तोड़ें, ये सारे कार्बन हाइड्रोजन बांड है ना, तो इससे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। और स्टूडेंट्स अगर यही बांड बनाए जाएं तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब एक और एग्जांपल समझे आप, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन क्लोरीन। स्टूडेंट्स इसमें सारे के सारे बांड सेम नहीं है, इन तीनों के लिए बांड एनर्जी डिफरेंट होगी और जो चौथा है वो कार्बन क्लोरीन का है, उसकी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी। पहले वाली एग्जांपल में चारों बॉन्ड सिमिलर थे और इसमें एक बॉन्ड डिफरेंट है, तो इसलिए कहा गया कि ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो हर एक बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी गिवन है। स्टूडेंट्स अब बॉन्ड एनर्जी हर एक की वैल्यू याद करना ये थोड़ा मुश्किल है, आपकी बुक में एक टेबल है, आप उस टेबल में कुछ वैल्यूज हैं वो जरूर एक दफा याद करने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपको हिंट बताता हूं कि कैसे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, ये हम कैसे पिक कर सकते हैं। सो लेट्स कम टूवर्ड्स द ट्रिक्स एंड फैक्टर्स। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। स्टूडेंट्स HF और HBr इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो HF ज्यादा होगा क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें ज्यादा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। स्टूडेंट्स क्लोरीन और आयोडीन को कंपेयर करें तो आयोडीन का साइज बड़ा है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, दैट इज 151, और क्लोरीन का साइज छोटा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, दैट इज 242। तो स्टूडेंट्स साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। स्टूडेंट्स बॉन्ड लेंथ अगेन रिलेटेड टू साइज है, बट समटाइम ये रिलेटेड टू साइज नहीं भी होती। आप ये समझ लें कि HCl की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम है, और HF की बॉन्ड लेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ भी एक फैक्टर है। स्टूडेंट्स उसके बाद है परसेंटेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज आयोनिक करैक्टर। जब आयोनिक करैक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। HF डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसी की वजह से आयोनिक करैक्टर ज्यादा है, तो उसी की वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है। स्टूडेंट्स देन इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद परसेंटेज एस करैक्टर। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 50% एस है, कार्बन डबल बॉन्ड में 33% एस है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड में
25% S है. स्टूडेंट्स S करेक्टर कम होता जा रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होती जा रही है. डबल बॉन्ड ट्रिपल से वीक है और सिंगल बॉन्ड डबल से वीक है. तो बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर इन ट्रिपल देन सेकंड डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड. और स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी करैक्टर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ पी करैक्टर. स्टूडेंट्स आप देखें कि इसमें पी कितना है, 50% पी. इसमें 67% पी और इसमें 75% पी. पी करैक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है लेकिन बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है. ये जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है ये बॉन्ड एनर्जी का है. तो स्टूडेंट्स ये भी रिलेट हो गया. और आखिरी बात है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी यानी मल्टीपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, डबल वीक है और सिंगल सबसे वीक है इन केस ऑफ अट्रैक्शन एंड एनर्जी. तो स्टूडेंट्स ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको रिलेट करके पूछे जा सकते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिखते हैं. हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज फॉर, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज फॉर कार्बन कार्बन सिंगल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल, चार्ली हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल एंड डेल्टा ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड. सो स्टूडेंट्स सारे सिमिलर एटम हैं, सब में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है. तो अब आप इसको साइज से पिक कर लें, जिसका साइज छोटा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. सो आई होप सो कि आप समझ गए हैं हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट इन साइज सो ग्रेटेस्ट इन अट्रैक्शन. क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज कर रहे हैं. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन चार्ली, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डेल्टा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन. तो स्टूडेंट्स दो चीजें तो क्लियर कट देखें, इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है और डेल्टा में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है. तो ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर्स. अब डेल्टा और बीटा को कंपेयर करें, डेल्टा के दोनों नाइट्रोजन एटम हैं, दोनों में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है और बीटा में कार्बन और ऑक्सीजन है और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मौजूद है. ट्रिपल बॉन्ड तो दोनों में है लेकिन बीटा ऑप्शन हायर एनर्जी शो करेगी क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और आयनिक करैक्टर इसका बढ़ चुका है. नेक्स्ट इज एच एफ एच सी एल एच बी आर एंड डेल्टा एच आई. स्टूडेंट सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसमें मिलेगी, ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. स्टूडेंट्स अब एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं. फ्लोरीन बीटा क्लोरीन चार्ली ब्रोमीन एंड डेल्टा आयोडीन. मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी इज फॉर, स्टूडेंट्स ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा. फ्लोरीन इज माइनस इज 151. क्लोरीन इज 242. ब्रोमीन इज 195 अप्रोक्सीमेटली, ये मैं अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ, 190s की रेंज में है. एंड डेल्टा आयोडीन इज 151. तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी क्लोरीन की क्यों है, हालांकि साइज तो सबसे छोटा फ्लोरीन का है. स्टूडेंट्स यहां पर एक एबनॉर्मल बिहेवियर है. फ्लोरीन फ्लोरीन ये देखें, इसका साइज काफी छोटा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई है और दोनों का एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करता है. इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल, इसकी वजह से एनर्जी लेवल कम हो जाता है. स्टूडेंट्स क्लोरीन क्लोरीन साइज काफी बड़ा है.
काफी बड़ा साइज है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल नहीं करता, तो दैट इज कंपैरिजन बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, टॉप टू बॉटम बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है, बट देर इज एबनॉर्मेलिटी बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि क्या करेक्ट है। अब इसका ऑर्डर लिख लें, क्लोरीन ज़्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद फ्लोरीन है, और सबसे कम ऑप्शन डेल्टा आयोडीन है। स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट बॉन्ड एनर्जी, और आप बॉन्ड एनर्जी के टेबल को देखें तो आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। ये मैंने आपको कुछ आइडिया क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल्स बताई हैं। अब है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। स्टूडेंट्स, एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। और हमने ऊपर वाले रिलेशंस में लिखा था कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पर फिर उसके फैक्टर्स भी स्टूडेंट्स इन्वर्स हो जाएंगे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी, परसेंटेज पी करेक्टर ज्यादा होगा। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 154 है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल की बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर्स है। स्टूडेंट्स, यहां पर परसेंटेज ऑफ पी कितनी है, 75%, यहां पर 66 या 7%, और यहां पर 50%। जब परसेंटेज ऑफ पी कम हो रही है तो फिर बॉन्ड लेंथ भी कम हो रही है। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स, एच एफ में बॉन्ड लेंथ कम है और एच सी एल में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एच एफ का ज्यादा है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से ये रिलेशन है। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर। स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन सिंगल। स्टूडेंट्स, इसमें परसेंटेज एस कितना है, 50%, परसेंटेज एस 33% और परसेंटेज ऑफ एस 25%। तो स्टूडेंट्स, जिसकी एस परसेंटेज ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर। इसके बाद स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल बॉन्ड, इसको मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं और मल्टीपल बॉन्ड भी कहते हैं। अगेन, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, डबल की ज्यादा है और सिंगल की सबसे ज्यादा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये कुछ रिलेशनशिप्स आपको दे दिए गए। आप इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि किस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किस में बॉन्ड लेंथ कम है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्स हैं। बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 134 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 120 पिकोमीटर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 109 पिकोमीटर। स्टूडेंट्स, ये अल्केन में, दूसरी वैल्यू
अल्कीन में, और तीसरी वैल्यू अल्काइन में, और ये वैल्यू किसमें है? अल्केन में। स्टूडेंट्स अब मैं इसको डिफरेंशिएट करवाने के लिए लिख रहा हूँ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 139 इन बेंजीन। बेंजीन में हम उसको डबल भी शो करते हैं, सिंगल भी। स्टूडेंट्स बेंजीन में कार्बन कार्बन सिंगल और कार्बन कार्बन डबल की बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल और 139। एक्चुअली वो ट्रू डबल बॉन्ड है ही नहीं, वो अल्टरनेट करते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड हैं, तो उसमें डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आप इसको डबल शो करवा लें या सिंगल शो करवा लें, बेंजीन की और अल्केन और अल्कीन की बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज 109 पिकोमीटर, अगेन बेंजीन। और स्टूडेंट्स 107 पिकोमीटर अल्कीन में है, पिकोमीटर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कीन, और स्टूडेंट्स 106 कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होगी इन अल्काइन। स्टूडेंट्स आपको ऊपर बताया था पिछले लेक्चर में कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एस करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़े तो फिर स्टूडेंट्स बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो अल्काइन में कार्बन sp हाइब्रिड है, उस पर 50% एस करेक्टर है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कीन और अल्केन के कार्बन से ज़्यादा है, सो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे कम है। तो ये स्टूडेंट्स बड़ी ट्रिकी चीज़ें हैं, इनको ज़रा आप देख लें। अब हम एक आखिरी टॉपिक डाइपोल मोमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, स्टूडेंट्स जब हम कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर आपने पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड की बात की थी, हमने वहां पर यह भी कहा था कि मॉलिक्यूल हो सकता है पूरा नॉन पोलर हो लेकिन बॉन्ड पोलर हो सकता है। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड एज चार्ज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। स्टूडेंट्स इसके यूनिट्स क्या होंगे? क्यू चार्ज है, इसका यूनिट क्या होगा? कूलम्ब। और आर डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो SI यूनिट क्या हो गए? कूलम्ब मीटर। स्टूडेंट इसका एक और यूनिट है डी बाई, उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स 1 डी बाई इज 3.336×10⁻³⁻¹⁰ मीटर कूलम्ब। अब आप बताएं विच इज लार्जर यूनिट, लार्जर यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, इट इज डी बाई, बीटा इट इज मीटर कूलम्ब, चार्ली बोथ आर इक्वल। स्टूडेंट्स मीटर कूलम्ब इज लार्जर यूनिट, मीटर कूलम्ब इज लार्जर यूनिट। स्टूडेंट्स 1 डी बाई 10⁻³⁻¹⁰ मीटर कूलम्ब, यानी इतनी छोटी वैल्यू होगी मीटर कूलम्ब में तो वो 1 डी बाई की इक्वल होगी, इसका मतलब है डी बाई बहुत ही छोटा यूनिट है। बच्चों अब डाइपोल मोमेंट जो है ना, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू वर्ड्स नेगेटिव, और स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? एक एरो लगाते हैं और उसकी टेल पे एक कट लगा देते हैं। इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू वर्ड्स नेगेटिव, तो फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स इसके बाद क्या बात करेंगे? इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। इफ डाइपोल मोमेंट
value is zero, then molecule is non-polar. Or agar dipole moment is not equal to zero, then molecule is polar. Molecule is polar. Students, अब इसको जरा समझें. मैं यहां पर दो ट्रिक्स बता रहा हूं. सेंट्रल एटम हैव लोन पेयर, डाइपोल मोमेंट कैन नेवर बी जीरो, मॉलिक्यूल इज पोलर. इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं. सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, या यूं कह लें कि डू नॉट हैव लोन पेयर. एटम डू नॉट हैव लोन पेयर. जब सेंट्रल पे लोन पेयर नहीं है तो स्टूडेंट्स दो कंडीशंस पॉसिबल हैं. डाइपोल मोमेंट जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है. जीरो कब होगा? सराउंडिंग एटम सेम, सराउंडिंग एटम्स सेम, और सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट. स्टूडेंट्स ये बड़ी शानदार ट्रिक बता दी है मैंने आपको. अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आप पोलर और नॉन पोलर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. पहले आप एक पुरानी एग्जांपल ले लें, CO2. इसमें पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव. स्टूडेंट्स इसमें पोलर बॉन्ड मौजूद हैं. ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलर बॉन्ड का फैसला होता है. पूरा मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं उसका फैसला किससे होता है? डाइपोल मोमेंट से. तो स्टूडेंट्स इसके डाइपोल मोमेंट इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन है. इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, सो इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल बट हैविंग पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अब हम कैसे समझेंगे कि ये नॉन पोलर है और डाइपोल मोमेंट थोड़े बड़े मॉलिक्यूल, और डिफरेंट एग्जांपल्स जब हमें आएंगी तो हम कैसे पिक करेंगे? स्टूडेंट्स आप ये देखें, SO2 NH3 PH3 H2O H2S ASH3. स्टूडेंट्स ये मैंने इनकी लिविस स्ट्रक्चर बना दी है. अब आप सब में देखें लोन पेयर मौजूद है, एक है या एक से ज्यादा है ये एक अलग बहस है, लेकिन लोन पेयर मौजूद है कि नहीं है. सब में लोन पेयर मौजूद है. जिसके सेंट्रल पे लोन पेयर मौजूद हो उसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, दैट इज पोलर. तो कितना सिंपल है, ये सारे मॉलिक्यूल पोलर हैं. स्टूडेंट्स अब एक और एग्जांपल देखिए, BH3 BF3 CH4 CCl H C fluorine chlorine H C fluorine chlorine bromine आयोडीन. स्टूडेंट्स अब ये दूसरा जो हिंट था उस पे आप देखें, क्या सराउंडिंग सारे बोरोन के सेम है?
यस। क्या सेंट्रल पे लोन पेयर है? नहीं, सेंट्रल पे लोन पेयर ना हो और सराउंडिंग सारे सेम हो तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। सेंट्रल पे लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग सारे सेम है, सो ऑल आर नॉन पोलर। स्टूडेंट्स अब नीचे वाले को देखें, सराउंडिंग इस सेंट्रल पे लोन पेयर इन तीनों एग्जाम्पल में नीचे नहीं है, लेकिन देखें क्या सराउंडिंग सारे सेम है? नो, क्लोरीन और हाइड्रोजन डिफरेंट है। फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन डिफरेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन डिफरेंट है। स्टूडेंट्स इनके लिए डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता और ये क्या होंगे? पोलर होंगे। स्टूडेंट्स ये सारे क्या होंगे? पोलर होंगे। तो डाइपोल मोमेंट के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि मॉलिक्यूल पोलर है या पोलर नहीं है। कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स आपको एक लंबा चौड़ा मेथड तो यह है कि सारों के डाइपोल मोमेंट ड्रा करें फिर फॉलो करें। अब सीधी सी बात है, सेंट्रल पे लोन पेयर है तो वो पक्की बात है पोलर है। अगर सेंट्रल पे पोलर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, सारे सराउंडिंग सेम है तो नॉन पोलर है, अगर एक भी सराउंडिंग डिफरेंट एटम आ गया है तो वो क्या होगा? वो पोलर होगा। स्टूडेंट्स अब डाइपोल मोमेंट के लिए कुछ और हिंट्स आपके सामने रखता हूं। डाइपोल मोमेंट डीएम लिख रहा हूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई। स्टूडेंट्स ये देखें तो ये डाइपोल मोमेंट्स आपको डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो रहा है। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर्स। स्टूडेंट्स एच एफ फ्लोरीन पे तीन लोन पेयर हैं, उसका ज्यादा है एच टू ओ से, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर हैं, उसका ज्यादा है एन एच थ्री से, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपने गैस किया। स्टूडेंट्स डाइपोल मोमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, डाइपोल मोमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अब देखें सी एच फोर का बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5। और स्टूडेंट्स वाटर का डाइपोल मोमेंट कितना है? 104.5। ये दोनों ए बी फोर टाइप के हैं, वाटर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और इसका कम है, ये जीरो है और वाटर का डाइपोल मोमेंट 1.85 d/i है। तो स्टूडेंट्स ये आपको आइडिया मिल गया कि बॉन्ड एंगल चेंज होने से भी लाइक एसओ टू और एसओ थ्री, एसओ थ्री का बॉन्ड एंगल कितना है? 120। इसका कितना है? बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120। जिसका एंगल कम होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ये हिंट आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद आर्थो इज ग्रेटर देन मेटा एंड मेटा इज ग्रेटर देन पैरा। आप ये एग्जाम्पल समझे, क्लोरीन क्लोरीन, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, क्लोरीन एंड क्लोरीन इसका डाइपोल मोमेंट कम है, क्लोरीन क्लोरीन इसका डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट्स जीरो है। कैसे? ये देखें इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है। अब देखें डाइपोल मोमेंट इधर और डाइपोल मोमेंट इधर, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो आपको नजर आएगा कि अब डाइपोल मोमेंट नेट वैल्यू कम हो रही है और स्टूडेंट्स इसके डाइपोल मोमेंट तो एग्जैक्टली अपोजिट आ गए हैं ना, एग्जैक्टली अपोजिट आ गए हैं, तो ये डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो ये मैक्सिमम पोलर पोलर और ये लेस पोलर, और इसका जो
पैरा है वो तो बिल्कुल ही नॉन पोलर, लेकिन स्टूडेंट्स अगर ग्रुप डिफरेंट लगे होंगे ना तो वो थोड़ा बहुत पोलर होगा, मतलब एक क्लोरीन होता एक फ्लोरीन होता तो वो पोलर जरूर होता। लाइक अगर हम इसकी बात करें, एक तरफ फ्लोरीन है और दूसरी तरफ क्लोरीन है, तो स्टूडेंट्स फ्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट और क्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट इक्वल नहीं है, इसका नेट जीरो नहीं आएगा, सो ये पोलर होगा। अगर दो सेम ग्रुप होते लाइक क्लोरीन क्लोरीन तो ये डाइपोल मोमेंट जीरो होता, और अगर दो डिफरेंट ग्रुप होते तो ये डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता लेकिन कम होता है एज कंपेयर टू मेटा एंड आर्थो। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हैव डिस्टॉर्टेड शेप लाइक एंगुलर पिरामिडल शेप विल हैव सम वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी लोन पेयर आएगा तो जरूर कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट उसमें मौजूद होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिस और ट्रांस की। स्टूडेंट्स ये समझें, CH3 और H, तो स्टूडेंट्स इनके डाइपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होंगे। ये देखें, ये दोनों मिथाइल अपोजिट हैं, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट हैं, सारे 120 के बॉन्ड एंगल पर हैं, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल हुआ, मिथाइल मिथाइल कैंसिल हुआ, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो। ये किसके लिए है, ट्रांस के लिए। स्टूडेंट्स एक और ट्रांस देखें, CH3 और इस तरफ CH2 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो बच्चों अब हाइड्रोजन के डाइपोल मोमेंट तो कैंसिल हो जाएंगे लेकिन अब मिथाइल और इथाइल के डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो फिर अब डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगा, पोलर। तो ट्रांस पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी, और सिस स्टूडेंट्स हमेशा पोलर होता है, चाहे वो सेम ग्रुप्स के साथ सिस हो या वो ट्रांस ग्रुप के साथ सिस हो। तो इसमें स्टूडेंट्स इस तरफ तो ये नेट कैंसिल नहीं होगा, और अगर ये दो डिफरेंट ग्रुप होते CH2 CH3 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, इसका भी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड बोथ आर पोलर। और इनमें कंपेयर करना कि कौन ज़्यादा पोलर है और कौन कम पोलर है, ये इतना मुश्किल आपके लेवल तक नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको पोलर और नॉन पोलर का हर तरह का आइडिया ज़रूर देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स इसके बाद एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जब नंबर ऑफ हैलोजन ऑन हाइड्रोकार्बन बढ़ रहे होते हैं, आप यूँ समझ लें कि CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 एंड CCl4 इसका डाइपोल मोमेंट तो वैसे ही जीरो है। स्टूडेंट्स इन सब में डाइपोल मोमेंट डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपको इस तरह की चीजों का भी पता होना चाहिए। ये हाईली पोलर है, हाईली पोलर है, और स्टूडेंट्स अगर एक क्लोरीन है H एक क्लोरीन है तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ ज्यादा है, इसको कैंसिल करना बड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट्स अगर एक और क्लोरीन लगा दिया जाए तो इधर भी है, तो सम सॉर्ट ऑफ कैंसिलेशन इज देयर, थोड़ी बहुत कैंसिलेशन हो जाती है तो नेट डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है, एक क्लोरीन और लगाने से डाइपोल मोमेंट और भी कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये डाइपोल मोमेंट के रिलेटेड आइडिया है। अब इसके यूजेस क्या हैं, टू फाइंड ज्योमेट्री, वो कैसे, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो रेगुलर शेप और ज्योमेट्री होगी, लाइक CO2 ये लीनियर शेप है, ये एक रेगुलर है, दोनों तरफ 180 और इधर भी 180 है, लेकिन अगर आप वाटर की बात करें इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है,
तो ये रेगुलर शेप से थोड़ा सा हटके है, ये बेंट है। इधर से देख लें डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और दूसरी तरफ से डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिफरेंट है। तो जो रेगुलर है उनके डाइपोल मोमेंट जीरो होते हैं और जो इररेगुलर है उनके डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होते। तो सो वी गेट द आइडिया अबाउट द ज्योमेट्रीज ऑफ एंड शेप्स। स्टूडेंट्स सेकेंड थिंग इज परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। स्टूडेंट्स परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड ओवर डाइपोल मोमेंट आयोनिक इनटू 100। इस तरह आप परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये कुछ आइडियाज मैंने आपको दे दी हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, आयोनिक करेक्टर के बारे में और पोलर और नॉन पोलर के बारे में। आई होप सो स्टूडेंट्स आपने इस ट्रिक को इंजॉय किया होगा। पोलर और नॉन पोलर को गैस करने में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी और अगर आप पोलर और नॉन पोलर को जानते हैं तो फिर आप इसको आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन पोलर आर मोर लाइकली टू बी आइडियल एंड पोलर आर लाइकली टू बी नॉन आइडियल बिकॉज दे पोजेस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स हमने यूनिट नंबर 4 खत्म कर दिया, इसमें बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मोमेंट को डिस्कस किया। आई होप सो आपके लिए ये लेक्चर बड़ा हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।